press the bell icon to never miss a video from testbook.com गुड मॉर्निंग क्लास कैसे हैं आप लोग और मैं आपका आज के अरजित मिश्रा आज फिर से हम बात करेंगे रेलवे पर और करंट अफेयर्स जीए की बात हम यहां पर करने के लिए आए हैं शेफाली मैम आज उनके गले में थोड़ी प्रॉब्लम थी दैट्स वाई अचानक से वो नहीं आ पाई तो एक्विलिन मैम है जो हमारी मैनेजर हैं जो प्रॉपर जो क्लासेस कभी नहीं लेती तो वो भी यहाँ पर आई बस आपके लिए कि हाँ हमने चीज शुरू किया है तो उसको ख़त्म भी हमें ही करना है तो गाइज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड थोड़ा सपोर्ट करने की ज़रूरत आपको भी है और कल से शफाली में हम हो जाएंगी और मैं चलता हूँ अपने सेशन पे क्या हमारा सेशन होने वाला है कितने क्वेश्चन हम करने वाले हैं सारी बात हम करेंगे ठीक है तो गाइज़ कैसे हैं आप लोग पढ़ाई कैसी कर रहे हैं एग्ज़ाम की डेट मालूम ही यह केंडिडेट मालूम है कि एग्ज़ाम कब होने हैं तो यार जमकर पढ़ाई करो जम के मेहनत करो मतलब रेलवे के एग्ज़ाम्स से, हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है सैलरी वैलरी बढ़ती है बहुत सारे आपको अलाउंसेस मिलते हैं और ये सब तभी हो पाएगा जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे सिलेक्शन के लिए आप इतनी मेहनत करते हैं, हैं ना आपको आप काफ़ी पढ़ते हैं तो कोई भी कसर मत छोड़ना एग्ज़ाम का जो एक महीना होता है पहले का ना ये बड़ा क्रिशल होता है इसी टाइम पर आपको ज़बरदस्त मेहनत करने की ज़रूरत होती है तो किसी के बहकावे मत आए कहीं मत जाएँ अपने को टाइम दें घूमना फिरना बाद में शादी ब्याह बाद में सब कुछ बाद में अभी केवल और केवल स्टडी यही आपका कर्तव्य है सिलेक्शन हो जाएगा खूब घूमो फिरो यार पास मिलता है रेलवे का है ना तो ठीक है उसकी बात हम करेंगे तो शुरू करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन के साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है स्क्रीन पर आपको यहां पे दिखाई दे रहा है देखिए यहां पर हम बात कर रहे हैं एक तरह के फेस्टिवल की और एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे बनते हैं हम मेघालय की बहुत सारी बात यहां पर करेंगे ठीक अनजाने में ही आंसर मैंने दे दिया क्वेश्चन देखो वेजिस्ट्रेट लॉन्च अ मिल्क मिशन एंड फर्स्ट बुल फेयर ऑन ट्वेंटी एट जुलाई 2018 मतलब कि किस राज्य ने 28 जुलाई अट्ठा था, दो अठारह को दूध मिशन और पहला बैल मेला शुरू किया क्या इसका आंसर होगा यह आपको बताना है जल्दी से आए और यहां पर कमेंट करें किस राज्य की बात हो रही है हालांकि आंसर मैंने दे ही दिया है तो अब केवल फॉर्मेलिटी बची सबको गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप लोग फुल बॉडी में एनर्जी के साथ फुल एटीट्यूड के साथ आइए और आंसर करिए और यहां पर बच्चे आंसर दे रहे हैं मेघालय तो मेघालय की बात कर रहे हैं कंप्यूटर मुझे स्क्रीन यहाँ पर लगा यहां पर देखिए हम बात कर रहे हैं मेघालय की तो कुछ पॉइंट्स हमको ध्यान देने होंगे जैसे मेघालय का गवर्नर कौन है ये हमको पता होना चाहिए तो मेघालय के गवर्नर कौन है तो आपको पता है ये कौन है तथागत रॉय अभी ये चेंज हो गए हैं ठीक है थीके? तो तथागत रॉय जो हैं ये बने हैं नए गवर्नर तथागत रॉय जो हैं चीफ मिनिस्टर की बात हमने कल की थी चीफ मिनिस्टर कौन है तो इनका नाम क्या है कॉनरेड संगमा आपको पता ही है कॉनरेड संगमा इसका मतलब संगमा हम कल बात कर चुके हैं ठीक है और देख लो हाँ कैपिटल क्या है तो मेघालय की कैपिटल क्या है शिलोंग आपको पता ही है शिलोंग कैपिटल है मैं लिखूंगा नहीं हाँ देखो एक चीज और यहाँ पर एक बायोस्फीयर है जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है इसका नाम है एन ओ के आर ई के हिंदी में नौकरिक no नौकरिक बायोस्फीयर रिजर्व भाई लोग ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है तो मेघालय लाया हमने मेघालय के चीफ मिनिस्टर गवर्नर कैपिटल की बात हमने कर ली और नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व कहां पर है तो मेघालय में है ये काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है और अभी कुछ दिन पहले कुछ मंथ पहले गज यात्रा शुरू हुई थी गज यात्रा शुरू हुई थी पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए और इसका उद्घाटन दिया मिर्जा ने किया था कहां से मेघालय से ही शिलोंग से तो गज यात्रा की भी शुरुआत शिलोंग से हुई थी ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है तो पहला क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया आगे पढ़ेंगे अपने दूसरे क्वेश्चन पे हमारा क्वेश्चन क्या होने वाला है आपके स्क्रीन पर यहां पर आ रहा है और यहां पर हम बात कर रहे हैं यहां पर हम बात कर रहे हैं 2017 के मैन बुकर की जरा इसका चलिए गुड मॉर्निंग सबको गुड मॉर्निंग यहां पर और अब मेरे क्वेश्चन करें जॉर्ज सॉन्डर्स है टू थाउजेंड सेवेंटीन मैन बुकर प्राइस फॉर हिस नॉवल जॉन सैंडर्स अपने उपन्यास नाम आपको बताना है के लिए सेवनटीन में मैन बुकर पुरस्कार के विजेता थे किस किस बुक के लिए और यहां पर आंसर आ गया है रुक जाओ रुक जाओ यहां पर आंसर आ गया है आंसर अंकित गुप्ता जी ने दिया है क्या लिंकन इन द बार्डो लिंकन इन द बार्डो क्या सही आंसर है कंप्यूटर जी प्लीज मुझे स्क्रीन पर दिखाएं जरा यहां पर बच्चों से बात करना बहुत जरूरी है देखिए अगर हाँ बिल्कुल सही देखिए अगर आप 2017 की बात करोगे तो जॉर्ज सैंडर्स हैं और आपको नोवेल का नाम मालूम चल गया लिंकन इन द बार्डो। बिल्कुल सही लेकिन हम बात करते हैं 18 की। 2018 में मैन बुकर प्राइस मिला बात कर ले यहाँ पर। तो 2018 की बात करें तो इनका नाम क्या है इनका नाम है ओलगा ओ एल जी एलगा टोकर, टोकर जुक इसे हिंदी में हम बोलते हैं ओल्गा टोकर्क जुप 2018 का मैन बुक प्राइस मिला है ओल्गा टोकर गुज को किस बुक के लिए ये देखो ये पोलैंड की है ये भी क्वेश्चन का भी एग्जाम्पन सकता है ये पोलैंड की है और इन्होंने एक बुक लिखी थी कौन सी इनकी बुक का नाम था फ्लाइट इनकी बुक का नाम था फ्लाइट तो देखो 2018 में जो मैन बुकर मिला है वो ओलगा टुज को मिला है पोलैंड की है और इनकी बुक थी फ्लाइट इसके लिए इनको ये अवार्ड मिला था 17 की बात कर ली हमने और 18 की बात हमने कर ली देखो अब यहां पर हम बात करते हैं क्या ऑस्कर की बात कर लेते हैं ऑस्कर ऑस्कर आपके एग्जाम में आएगा जरूर तो याद कर लीजिएगा ऑस्कर 2018 की हम बात करें तो ऑस्कर 2018 की हम बात करें तो अब मेरे क्वेश्चन का आंसर आप देंगे ऑस्कर 18 में बेस्ट मूवी का अवार्ड किसे मिला बेस्ट मूवी का अवार्ड किसे मिला आई थिंक आप लोग को पता होगा आपने याद कर लिया होगा द शेप ऑफ ध्यान देना हम यहां पर इंपॉर्टेंट अवार्ड की बात कर रहे हैं हमने मैनबुकर की बात की कल हमने की बात कर ली थी Lamar, याद करो और आज हमने किसकी बात कैंड्रिक्लाउस एटीन मैनबुकर की और ऑस्कर की बात हम यहां है अच्छा ऑस्कर की बात करें तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला इसकी बात कर लें ऑस्कर की बात करें तो बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड मिला है वो किसे मिला है वो मिला है आपके गैरी ओल्ड मैन को बेस्ट एक्टर और बेस्ट फीमेल एक्ट्रेस मतलब एक्ट्रेस की बात करें तो एक्ट्रेस का नाम है फ्रांसिस मैकडॉर्मेट हमें देखना इसलिए पड़ता है बिकॉज स्पेलिंग गलत ना हो जाए वरना आप कमेंट करने लगते हैं तो इसलिए ठीक है तो यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर हम बात कर रहे थे ऑस्कर की दो अब क्या बच गया आपके लिए आपके लिए बच गया नोबेल प्राइज आपको नोबेल प्राइज याद कर लेना है नोबेल प्राइज पर मैं कल क्वेश्चन लेकर आऊँगा तो गाइज नोबेल प्राइज ऑस्कर प्राइस, प्राइस मैन बुकर पुलिसजर ये सब एग्जाम में कॉन्टिन्यूस आ रहे हैं जो आपको पता होना चाहिए वेरी गुड फंटास्टिक बहुत बढ़िया आंसर आप कर रहे हैं वेरी गुड बेटा ऐसे ही जमके पढ़ो सिलेक्शन लो और अपना बढ़िया से फ्यूचर अच्छा स्ट्रांग करो ठीक है चलिए कंप्यूटर जी आगे बढ़ते हैं और अपने तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं हम एक बुक की बात यहां पे कर रहे हैं इस बुक का नाम है बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल जो बुक है ये किसने लिखी है ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है हम क्वेश्चन नंबर तीन की बात कर रहे हैं बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल किसने लिखी है ठीक है वेरी गुड फंटेस्टिक आंसर आप कर रहे हैं यहाँ पर और आपको बताना है जो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा है अभी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल जो बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई है जल्दी से बताएं मुझे बालाजी एक बार चेक कर लीजिएगा शायद ये पोलैंड की है मैंने अभी चेक किया रिसेंटली हम यहाँ पर जब आते हैं तो हम चेक करते हैं पोलिश राइटर हैं ये एक बार आप देख लीजिएगा पोलैंड की बिल्कुल बिल्कुल हंड्रेड एंड टेन परसेंट करेक्ट है चलिए और यहाँ पर बच्चे बोल रहे हैं क्या बच्चे बोल रहे हैं किसने लिखी है किसने लिखी है, किसने लिखी है? राम कमल मुखर्जी ने ऑप्शन नंबर थ्री तो बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल जो है ये हाँ बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं रामकमल मुखर्जी ने लिखी है लेकिन सुन लो लेकिन सुन लो और हम बात कर ले देखो पर पहला ऑप्शन जो है जय नारायण प्रसाद निषाद

गाया नहीं गोपाल दास नीरज की बुक का नाम है गीत जो गाया नहीं इसे भी आप लर्न कर लीजिएगा एग्जाम में आ सकता है मैं भी अच्छा अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर फिफ्थ की जिसका जिसका नाम है विलास विलास सारंग तो विलास सारंग की बात करें इनके बुक का नाम क्या है इनके बुक का नाम है यह अच्छी बुक है यह इंपॉर्टेंट बुक है द वुमेन इन केज ठीक है तो जो आपके पांच ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं पहला ऑप्शन क्या ये पॉलिटिशियन है इन्होंने बुक रही लिखी है दूसरा ऑप्शन ये क्रिकेटर है आपको है तीसरा ऑप्शन आप आंसर ही आपका चौथा गोपाल दास नीरज का जो ये मैं दिखा रहा हूं आपको यहां पर गीत जो गाया नहीं और पांचवा विलास सारंग की बुक का नाम क्या है द वुमेन इन केज ये भी आप लर्न कर लीजिएगा एग्जाम में आ सकता है हम आगे बढ़ेंगे और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहाँ पर हम कर रहे हैं और यहाँ पर बात हो रही है गैलेंट्री अवार्ड्स की गैलेंट्री अवार्ड्स एग्जाम में आ सकते हैं इंपॉर्टेंट है पंद्रह अगस्त बीता है तो एग्जाम के लिए जरूरी है क्या पूछा गया है 2018, 2012 जो लिखा हिंदी में अठारह एग्जैक्टली में 2018 में, में राष्ट्रपति ने सशस्त्र बलों के कर्मियों और अर्धसैनिक बलों के सदस्यों के लिए कितने गैलेंट्री पुरस्कारों को मंजूरी दी है मैं इसमें और भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा आपको अभी किसका आंसर देना है चलिए और यहां पर यहां पर आंसर आ रहे हैं जी गौरव वर्मा बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं वेरी गुड बेटा और यहां पर यहां पर आंसर क्या होगा यहां पर आंसर वन थर्टी वन है कंप्यूटर स्क्रीन लगाया मुझे तो वन थर्टी वन है बिल्कुल सही तो आंसर क्या होगा वन थर्टी वन है गाइस। लेकिन मैं आपको कुछ और भी इंफॉर्मेशन यहां पर दे दे रहा हूं देखो राइफलमैन राइफलमैन राइफल औरंगजेब राइफलमैन औरंगजेब एंड मेजर आदित्य मेजर आदित्य कुमार इनको क्या मिला है इनको मिला है शौर्य चक्र ये भी आपको लर्न कर लेना है कि शौर्य चक्र से मिला है औरंगजेब राइफलमैन औरंगजेब को और मेजर आदित्य कुमार को शौर्य चक्र मिला है ठीक है देख लीजिएगा इसे और देख हैं दूसरी बात देखिए सिपाही सिपाही वर्मा पाल सिंह सिपाही वर्मा पाल सिंह इनको मिला है बेटा कीर्ति चक्र ठीक है तो ये भी आपको लर्न करना है गैलेंट्री अवर्ड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन तो आपको ये भी लर्न करना है मैं हट जा रहा हूं देख लो एक बार औरंगजेब राइफलमैन और मेजर आदित्य को शौर्य चक्र और सिपाही वर्मा पाल सिंह को कीर्ति चक्र मिला है याद कर लीजिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आइए ठीक है थीके? हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है पी चौधरी जी कैसे हैं आप बताएं जरा मुझे आइए आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे यहाँ पर डेस की और आपको डेस के बारे में आंसर देना है विश्व टाइगर दिवस जो है है? है, है। वो कब मनाया जाता है, ये आपसे पूछा गया है, आपको इसका आंसर देना है। आप सब मेरे छोटे भाई हैं, मैं किसी का नाम ले पाऊं ना ले लेकिन हाँ इतना बोलता हूं कि जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो हम आपसे मिलेंगे जरूर ठीक है, अब मेरा है टाइगर विश्व टाइगर दिवस किस तारीख को मनाया जाता है आपको आंसर देना है संधु सिंह ने आंसर दे दिया है बिल्कुल सही हाँ बिल्कुल विजय सिंह एक लाइक तो बनता है शौर्य की बात हो रही है बिल्कुल शौर्य और यही तो हमारे अंदर है हमारे अंदर एक स्पोर्ट्समैन स्प्रिट है हम कभी हार नहीं मानते हैं एक बार सद्दाम हुसैन ने कहा था कि अगर इंडियन आर्मी हमको मिल जाए तो हम अमेरिका को भी जीत सकते हैं बिकॉज इंडियन कभी भागते नहीं है अगर इंडियन उसने बोला कि इंडियन सैनिक के पास अगर कोई कोई वेपन भी ना हो ना तो वो पत्थर को हथियार बना लेते हैं वो अपने आप को हथियार बना लेते हैं यही तो हमारी वीरता है आगे बढ़ते हैं और यहां पर हम बता रहे हैं उनतीस जुलाई ठीक है तो उनतीस जुलाई को मनाया जाता है क्या ठीक है मालूम चल गया वर्ल्ड टाइगर डे ठीक है सही है तीस जुलाई को क्या मनाया तीस जुलाई को देखिए तो थर्टीन जुलाई को क्या मनाया जाता है तीस जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन मतलब कि जो लोग हिंदी में देख रहे हैं उनके लिए मानव तस्करी के खिलाफ दिवस जो मानव तस्करी होती है उसके खिलाफ दिवस तीस जुलाई को बनाता है 31 जुलाई को क्या सेलिब्रेट होता है वो भी देख लें 31 जुलाई को वर्ल्ड रेंजर डे वर्ल्ड रेंजर डे सेलिब्रेट होता है बेटा आपको ये भी याद रखना है ठीक है और अगर बात करें फर्स्ट अगस्त को तो 1 अगस्त को सेलिब्रेट क्या होता है 1 अगस्त को सेलिब्रेट होता है अर्थ ओवरशूट डे गाइज ये अर्थ ओवरशूट डे क्या होता है जैसे जो हमारे देश हमारे पूरे पृथ्वी पर जो भी चीज़ें हैं लाइक आप जमीन की बात कर लें आप पानी की बात कर लें आप गेहूं चावल की बात कर लें तो कितने रिसोर्सेज का हम यूज कर चुके हैं उसको समझाने के लिए अर्थ ओवर डे सेलिब्रेट किया जाता है ठीक है ये लर्न कर लीजिएगा यहाँ पर देखिए मैं रहा हरिजाऊ थोड़ा सा और अगर आप स्क्रीन ले रहे हैं तो आप स्क्रीन शॉट ले लें हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर ठीक है चलिए अट्ठाईस जुलाई को वर्ल्ड हैपीटाइटिस डे मनाया जाता है ये बता रहे हमको पार्थ सारद दास बिल्कुल थैंक यू थैंक यू बेटा थैंक यू वेरी मच आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है हु ऑन अगस्त ट्वेंटी वन सेवनटीन वॉज अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ द रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स और ये अभी तक है ये अपने पोस्ट पर अभी तक हैं तो ये क्वेश्चन ये बन सकता है ये क्वेश्चन जाएगा आपके फेमस पर्सनैलिटी पे फेमस पर्सन मतलब कि डायरेक्टर जनरल ऑफ द रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आपको इसका नाम बताना है क्या इसका नाम है चलिए

ये वाइस चांसलर हैं ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद एंड प्रेसिडेंट ऑफ द एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ये भी मैंने आपको बता दिया ठीक है कोटा हरि नारायण क्या है प्रेसिडेंट ऑफ द एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो लिख लीजिएगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं कंप्यूटर जी से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की देखिए यहां पर क्या पूछा गया है आपके अभी रेलवे एएलपी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि हमारे देश की स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहां पर बन रही है तो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन रही है इम्फाल में आपको यह पता है तो उसी क्रम में एक क्वेश्चन हम लेकर आए हैं कि राष्ट्रीय खेल संग्रहालय किस शहर में स्थापित किया जाएगा मतलब स्पोर्ट्स पर हो सकता है क्वेश्चन ये बन जाए आप देखें यहां पर कोटा क्या कोटा नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन में एक नाम था बेटा कोटा हरि नारायण उनकी हम बात कर रहे थे वो क्या थे प्रेसिडेंट ऑफ द एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया अब वो बात खत्म हो गई और यहां पर हम बात करते हैं तो देखिए क्या क्वेश्चन है राष्ट्रीय खेल संग्रहालय किस शहर में स्थापित किया जाएगा तो नई दिल्ली में स्थापित किया जाएगा जिस क्वेश्चन में आपको समझाना होगा मैं टाइम दूंगा जहां पर एक लाइन में आंसर है हम आगे बढ़ेंगे ठीक है तो हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए आगे बढ़ते हैं यहां पर आईपीएल की बात हो रही है और आईपीएल आपके एग्जाम के लिए बड़ा जरूरी है देखिए प्रीमियर लीग आईपीएल के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर कौन है यह आपसे क्वेश्चन पूछा गया है आपको सही आंसर देना है देखते हैं कौन इसका आंसर करता है पहले मैं यहां पर आपको वॉच कर रहा हूं हेलो बेटा सबको हाय कैसे हैं आप लोग चलिए और जो क्वेश्चन मैंने पूछा है आपको उसका आंसर देना है और राजीव शुक्ला बच्चे बोल रहे हैं नहीं 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 ये नहीं है अनुराग ठाकुर भी नहीं है इनका नाम है ऑप्शन नंबर टू हेमांग अमीन हेमांग अमीन इनका नाम है और आई के मालिकों के नाम आपसे पूछे जाते हैं टीम के तो एक बार देख लेते हैं देखो मुंबई इंडियंस के ऑनर कौन है तो आपको पता है मुंबई इंडियंस के ऑनर है मुकेश अंबानी इसमें कोई शक नहीं है आपको मालूम ही है ठीक है अच्छा उसके बाद सनराइजर्स हैदराबाद के ऑनर कौन है यह आपको पता होना चाहिए तो सनराइजर्स हैदराबाद के जो ऑनर है मैं लिख दे रहा हूं यहां पर इनका नाम क्या है इनका नाम है कला निथी। कला निथी मारन मैं मार्कर चेंज कर दे रहा हूं शायद आपको विजिबल ना हो तो इनका नाम क्या है कला निधि मारन कला निधि मारन जो है हम इसके बारे में बात कर रहे हैं देखो ये सन ये सन टीवी नेटवर्क के ऑनर हैं। ये सन टीवी नेटवर्क के ऑनर है सनराइजर्स हैदराबाद की बात यहां पर हम कर रहे थे। इसके बात बात कर लेते हैं केकेआर की तो कोलकाता नाइट राइडर की बात करें तो क्या है बेटा यहां पर ये जिनके ऑनर कौन है शाहरुख खान है एसआरके एसआरके के साथ कौन है जय मेहता और जय मेहता एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और जूही चावला के हस्बैंड भी हैं जय मेहता जूही चावला और शाहरुख खान की पार्टनरशिप है कोलकाता नाइट राइडर्स में ठीक है ये आपको पता ही होगा इसके बाद बात करें तो किंग्स एलेवन पंजाब की हम बात कर लेते हैं किंग्स एलेवन पंजाब तो ये भी आपको पता होगा किंग्स एलेवन पंजाब तो नेस जो नेस है ये इसके साथ प्रीति जेंटा आपको ये पता ही है प्रीति जेंटा ठीक है प्रीति जिंटा के साथ एक लोग और भी हैं ये जिंटा ठीक है एक लोग और भी हैं इनका नाम है मोहित बर्मन मोहित बर्मन अच्छा इनकी कंपनी का नाम क्या है इनकी कंपनी का नाम है के पी एच ड्रीम मतलब इन लोगों ने क्या किया एक कंपनी बनाई है और कंपनी के नाम से पार्टनरशिप की है केपीएच ड्रीम की बात यहां पर हो रही है ठीक है ये आपको मालूम चल गया इसके बाद बात कर लेते हैं राजस्थान रॉयल राजस्थान रॉयल की बात कर लें तो इसके ऑनर कौन है मनोज मनोज बाडले ठीक है तो मनोज बाडले की बात हो रही है ये इसके ऑनर है और कंपनी का नाम क्या है इनकी कंपनी का नाम है रॉयल मल्टी स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ठीक है तो ये कुछ था हाँ डेयर डेवल क्या कर लें दिल्ली डेयर डेवल दिल्ली डेयर डेवल की बात कर लें तो इसमें क्या है इसके इसके ऑनर हैं जीएम राव इसके ऑनर हैं जीएम राव और इनकी कंपनी का नाम क्या है जीएमआर ग्रुप ठीक है बचे कौन चे चेन्नई सुपर किंग तो चेन्नई सुपर किंग के ऑनर कौन थे आपको मालूम ही था लेकिन आफ्टर जब ये हो गया कि हाँ ये फस गया फिक्सिंग में तो उसके बाद चेन्नई की एक कंपनी के नाम पर कंपनी चल रही है और इसके ऑनर इसके ऑनर के शेयर्स बटे हुए हैं इसके ऑनर का रियल नेम मालूम नहीं है नेक्स्ट क्लास में कोशिश करूँगा कि मैं आपको बता दूँ और सेम यही रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के साथ भी है किसका सबसे ज्यादा स्टेक है वो सर्च हम कर रहे हैं यहाँ पर तो आपको हम सही इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं तो ये चीज है मेहर साइट जो लोग हैं जिनको नहीं मालूम था वो इसका स्क्रीन शॉट ले लेंगे ठीक है ले लीजिएगा हम आगे बढ़ेंगे ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने चलिए आगे बढ़ते हैं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर कैप्टन की बात करें यार कैप्टन एप्टन देख लेना तुम लोग तो लड़के हो लड़कों को आईपीएल के बारे में क्वेश्चन पूछना ही चाहिए मैंने अक्सर देखा है कि जो बॉयज हॉस्टल में रहते हैं और अपने एजुकेशन uh, लाइफ में रहते हैं तैयारी करते हैं तो दो सीजन ऐसा आता है जब उनके चेहरों पर चमक बढ़ जाती है एक तो होता क्या है आईपीएल का सीजन पैसा वैसा लगता है सट्टा खेलते हैं बच्चे और दूसरा होता है शादी ब्याह का सीजन हॉस्टल में रहते हैं अपना कुछ करना नहीं है खाली जींस डाली टी शर्ट डाला मूव और चले गए शादी वादी में तो दो सीजन ऐसे आते हैं जहां बच्चों के चेहरों पर कलर आ जाता है अच्छा बढ़िया हो जाता। स्वस्थ, हेल्दी हो जाते स्वस्थ हेल्दी हैं बच्चे है ना चलो आगे बढ़ते हैं सब लोग करते हैं लाइफ में ये सब चीज़ें कोई दिक्कत नहीं है आइए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहां पर क्वेश्चन फिर से अपॉइंटमेंट पर है देख लीजिए यहां पर देखिए हु ऑन अगस्त इलेवन सेवेंटीन नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं पर एज द न्यू चेयरपर्सन

कबड्डी का, का बता देंगे बता देंगे ऑन अगस्त इलेवन सेन वॉज अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ द फिल्म सर्टिफिकेशन में हम ऐसे क्वेश्चन क्रिएट करते हैं कि हाँ इस टॉपिक पे पढ़ाना है क्वेश्चन क्रिएट कर दिया और सारे टॉपिक को हमने पढ़ा दिया ये हमारा स्ट्रैटेजी है ठीक है आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि केंद्रीय फिल्म ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के नए अध्यक्ष के रूप में कौन नियुक्त किए गए हैं और आई थिंक आपको मालूम होगा बिल्कुल सही आंसर क्या इसका सही आंसर होना चाहिए इसका सही आंसर क्या है इसका आंसर है प्रसून जोशी तो प्रसून जोशी को बनाया गया है बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन का हेड आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में करते गाइज आपको मेरा मेरा खुद का जीएसटी का वीडियो मिल जाएगा हमारे बुक चैनल पर आपने देखा है या नहीं देखा है जीएसटी आपके लिए बनाया ही गया था, बेटा रेलवे में GST पे क्वेश्चन एक या दो पूछा जाएगा, तीन पार्ट में मैंने मैंने बनाया है, एक पर केवल क्वेश्चन की बात की है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ने होते हैं दूसरे पर मैंने कॉन्सेप्ट समझाया कि जीएसटी का कैसे होता है, किस पे लगता है और तीसरा मैंने एमसीक्यूज कराए हैं तो प्लीज एंड प्लीज जाइए और जीएसटी को देखिए इसका आंसर दीजिए यहां पर जीएसटी का वीडियो बेटा देख लेना आपके एग्जाम के लिए जरूरी है मैं बोलूंगा तीनों पार्ट देख लेना एग्जाम की बात करोगे तो फर्स्ट पार्ट एंड थर्ड पार्ट इज इंपोर्टेंट और कॉन्सेप्ट की बात करोगे तो सेकंड पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट चलिए और यहां पर आंसर आपको देना पूछा आप है क्वेश्चन जीएसटी कानून की बात कर रहे हैं इसका सही आंसर क्या है सही इसका आंसर है एम विनोद कुमार एम विनोद कुमार इज राइट आंसर आप इसे लॉक कर लीजिए एम विनोद कुमार हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे उत्कर सर आ चुके हैं और उत्कर् सर जो मैथ के बाहुबली हमारे हैं वो मुझे देख भी रहे हैं कि सर टाइम हो गया है तो बिल्कुल उनकी बात भी समझी जाएगी और आप लोग भी वेट कर रहे होंगे मैथमेटिक्स का मुझे पता है तो थोड़ा सा गाइस बस खत्म करते हैं ठीक है वॉट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे टू थाउजेंड एटीन विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है ये आपसे पूछा गया है और मेरे ख्याल से आपको पता ही होगा ये क्वेश्चन मैं आपको पहले दिन भी करा चुका हूं

जल्दी 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 जो मैंने आपसे पूछा है अभी यहां पर चलिए इसका सही आंसर क्या है इसका सही आंसर है आईवी सुब्बा राव हाँ बिल्कुल आईवी सुब्बा राव जो है ये बनाए गए हैं सेक्रेटरी टू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो हमारे एम वेंकैया नायडू जी है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं चलिए हु हैज बीन अपॉइंटेड एज बॉलिंग कोच ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम भारतीय टीम के गेंदबाजी के कोच के तौर पे कौन अपॉइंट हुए हैं ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा कौन भारतीय क्रिकेट टीम के गेंदबाजी कोच के रूप में नियुक्त किए गए हैं यहाँ पर आपके सामने पांच ऑप्शन है सही आंसर क्या होगा ये आपको बताना जल्दी से जल्दी 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 जल्दी, 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 जल्दी। मोहित आपका बर्थडे है आपको हमारी तरफ से बेस्ट खूब नाम कमाइए खूब आगे बढ़िए और हाँ टेक्सटबुक डॉट कॉम सर्च कर लीजिए यूट्यूब अपने गूगल पे आपको आप एड्रेस मिल जाएगा उस एड्रेस पर अभजीत मिश्रा के नाम से एक मिठाई का डिब्बा पार्सल कर दीजिएगा

18 जुलाई को नेल्सन मंडेला डे सेलिब्रेट किया जाता है 15 जुलाई को वर्ल्ड यूथ स्किल डे और 17 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय विश्व न्याय दिवस बेटा तीनों को याद कर लेना मंडेला डे को तो याद कर लेना बिकॉज अभी अभी मंडेला काफी न्यूज में भी थे है ना। चलो 17, 15, 18 जुलाई का इंफॉर्मेशन हमने आपको यहां पर दे दिया है आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा बुक पर है ये जो हमारी बुक है इसने ह्यूगो अवार्ड जीता है ह्यूगो अवार्ड 17 का ह्यूगो अवार्ड आपको उसका नाम बताना है कि द ओबुलिस्टिक गेट जो बुक है जिसको ह्यूगो अवार्ड मिला था 17 का उसकी ऑथर कौन है <coughs> थैंक यू थैंक यू गाइज आपने हमारा वीडियो लाइक किया आपने वीडियो लाइक किया बहुत अच्छा आपने सपोर्ट किया और आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ शेयर भी जरूर करें इसे और हाँ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं क्या इसका सही आंसर होगा इसको ह्यूगो अवार्ड मिला था सेवनटीन में और इसका आंसर है Nora Nora नोरा के जेमिसन नोरा के जेमिसन लॉक लॉक कर दीजिए नोरा के जेमिसन लास्ट पांचवा ऑप्शन सही आंसर है याद कर लीजिएगा लिख लीजिएगा सब आपके एग्जाम में बुक्स तो आने ही आनी है एग्जाम में ठीक है आगे बढ़ते हैं फिर से अगर ब्रांड मेजर की बात करते हैं हु ऑन जुलाई 15 17 वॉज अपॉइंटेड एज यूनिसेफ गुडविल अंबेसडर यूनिसेफ की ग्लोबल गुडविल अम्बेसडर कौन अपॉइंट की गई है और आई थिंक आपको ये पता होगा इन्हें हम सुपर वुमेन के नाम से जानते हैं सुपर वुमेन क्या नाम है इनका इनका नाम क्या है ये आपको पता होगा मेरे ख्याल से इनका सही आंसर क्या है इसका सही आंसर क्या होना चाहिए इसका सही आंसर है अभी तक आंसर आंसर नहीं आया है है इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर नंबर को यूनिसेफ ने अपना ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर अपॉइंट किया है हम आगे बढ़ रहे हैं बिल्कुल सही हम आगे बढ़ रहे हैं बेटा और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं देखिए यहां पर फिर से एक बार फेमस पर्सनालिटी पर एक क्वेश्चन और आपके एग्जाम में एमडीसीओ एमडीसी जा रहे हैं उसी पे क्वेश्चन है 11 अगस्त सत्रह को किससे भारत के निर्यात आयात बैंक के प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया ठीक है तो हु वॉज अपॉइंटेड एज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया यह आपको बताना है इनका नाम क्या है और यहां पर आपके सामने पांच ऑप्शन है यू हैव टू चूज राइट वन क्या इसका सही आंसर होगा इसका सही दो करंट अफेयर्स की बात करें तो जुलाई अगस्त के क्वेश्चन हम करा रहे हैं बिल्कुल सही बात है करंट exactly अफेयर शो भी आता है तो इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है, ठीक है? और इसका सही क्या है? David Raskunna. David Raskunna बिल्कुल सही आंसर है हम आगे बढ़ते हैं और फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डिफेंस एक्सरसाइज पर है देखिए देखिए युद्ध अभ्यास मिलिट्री एक्सरसाइज जो है वो इंडिया किस देश के साथ करता है युद्ध अभ्यास युद्ध अभ्यास की बात यहां पर हो रही है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है 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 युद्ध अभ्यास इंपॉर्टेंट तो ही डिफेंस एक्सरसाइज हम डेली कर रहे हैं डिफेंस एक्सरसाइज पर क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे इसका सही आंसर क्या है तो डिफेंस एक्सरसाइज करें तो युद्ध अभ्यास इंडिया और यूएस के बीच में होता है युद्ध अभ्यास इंडिया और यूएस के बीच में होता है इंडिया रशिया के बीच में इंद्र होता है आई एनडीआर इंद्रा इंडिया रशिया के बीच में इंद्र होता है इंडिया यूएस के बीच में युद्ध व्यास होता है इंडिया जापान के बीच में जिमेक्स होता है -E -E जिमेक्स, ठीक है? इंडिया वियतनाम के बीच में कंप्यूटर मुझे इंडिया वियतनाम की बात करें इंडिया वियतनाम में क्या है इसका आंसर विनबेक्स इंडिया जापान जिमेक्स इंडिया रशिया इंद्रा इंडिया यूएस युद्धाभ्यास और इंडिया ऑस्ट्रेलिया जो होगा उसको आप नाम समझ जाओगे इसका नाम क्या है ऑस्ट्रा हिंद ऑस्ट्रा ए यू एस टी आर ए ऑस्ट्रा हिंद और ए यू एस आई एन डी एक्स नाम समझ जाओगे कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में कौन सा एक्सरसाइज होता है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जल्दी से चलिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है क्योर फिट एक कंपनी है इसने अपना ब्रांड एम्बेसिडर किसको बनाया क्योर फिट क्योर फिट एक कंपनी है इसने अपना ब्रांड अम्बेसडर किसको बनाया है देख लीजिए यहाँ पर आमिर खान को विवो ने बनाया है अक्षय कुमार जो हमारे हैं वो नेशनल हाईवे के भी भी ब्रांड एम्बेसिडर बनाए गए हैं ठीक है पीसी ज्वेलर्स अक्षय कुमार हैं उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के ये स्वच्छ भारत अभियान के ब्रांड अम्बेसिडर भी यहां पर मालूम ही है तो आपको बताना है कौन इसके ब्रांड अम्बेसिडर हैं और इसका सही आंसर क्या है ऋतिक रोशन तो क्योरफिट ने ऋतिक रोशन को अपना ब्रांड अम्बेसडर अपॉइंट किया है क्योरफिट ने ऋतिक रोशन को अपना ब्रांड अम्बेसडर अपॉइंट किया है आगे बढ़ते हैं एक क्वेश्चन और देखिए यहां पर बात हो रही है इसकी मिताली राज की मिताली राज ने महिला एक दिवसीय टीम जो हमारी है उसमें कितने रन बना लिए हैं ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा फिर यहां पर आप करते हैं इसे ठीक है तो मिताली राज की बात कर रहे हैं मिताली राज ने कितने रन बना लिए हैं तो मिताली राज पहली महिला एक दिवसीय क्रिकेटर बन गई है जिन्होंने छह रन क, आ, सिक्योर किए हैं सिक्स रन तो उत्कर्ष सर की क्लास होगी मैथमेटिक्स की ऑलरेडी लेट हो चुके हैं तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में भूलेगा नहीं सेवन थर्टी पर हम मिलेंगे फॉर करंट अफेयर्स ठीक है भूलेगा नहीं मिताली आप देख लीजिएगा सिक्स का आंसर है तो गाइस ठीक है सेवन थर्टी मिलते हैं जो बच्चे बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए दो बजे भी एक वीडियो आने वाला है थैंक यू